रात के अंधेरे में जब सभी लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं तो पुलिस के जवान सड़कों पर न केवल गश्त लगाते हैं बल्कि दूर दराज से अपने गांव लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोक रोक कर खाना भी खिलाते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान हुए लॉकडाउन में पुलिस की सुधरी हुई यह छवि एक मानवता की तस्वीर भी पेश करती है। रोहतास जिला के डिहरी स्थित पुलिस लाइन में प्रतिदिन पुलिसकर्मियों द्वारा खाना बनाकर भोजन का पैकेट तैयार किया जाता है और फिर सैकड़ों पैकेट रात को अंधेरे से हाईवे से गुजरने वाले भूखे प्यासे प्रवासी श्रमिकों को रोक रोक कर दिया जाता है। रोहतास के SP सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में जिला पुलिस बल द्वारा एक विशेष कोषांग का भी गठन किया गया है जिसमें जिले के तमाम पुलिसकर्मी अपना अपना कुछ न कुछ योगदान करते हैं और फिर इन्हीं राशि से प्रतिदिन जिला के तमाम थाना क्षेत्रों में भोजन का फूट तैयार करके लोगों को दिया जाता है। रोहतास के SP सत्यवीर सिंह का कहना है कि जिला के तमाम पुलिसकर्मियों की ओर से यह एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। उनकी कोशिश है कि कोई भी प्रवासी श्रमिक जो इस जिले से होकर गुजरते हैं उन्हें रात में भूखा नहीं सोना पड़े। कहाँ से? मुंबई से आ रहे हैं। रोहतास जिला के पुलिस वाले हमको खाना खिला रहे हैं, वो रोक करके अपना मर्जी से बुला कर खिला रहे हैं। अब खाना बहुत अच्छा है। कहाँ जा रहे हो? मैं पलामू जिला जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? गुजरात से। कहाँ जाना है? बिहार कटिहार जिला। कौन भोजन दिया यहाँ पे? पुलिस द्वारा रोटा का ना। तो बढ़िया से खा लिया? हाँ, बढ़िया से। इतनी बड़ी गर्मी धूप में सब लोग बाहर से मजदूर लोग आ रहे हैं तो विभिन्न जिलों के हैं, पूरे बिहार में उनको जाना है, तो हम लोगों ने अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से रोहतास पुलिस के अपने कंट्रीब्यूशन से पुलिस लाइन में हम लोग उनके लिए खाना बनवाते हैं और दिन में कम से कम 400-500 पैकेट खाना बनवाकर फिर GT रोड पर और अन्य मुख्य सड़कों पर जो पैदल आ रहे हैं, जो साइकिल से आ रहे हैं, भूखे प्यासे हैं लोग, उनको हम लोग पैकेट बांटते हैं सो देट कि भूखा नहीं रहे कोई। कोशिश हम लोगों की ये है और ये पूरा प्रयास पुलिस कर्मियों के द्वारा खुद खाना बनाया जाता है पुलिस लाइन में जो रिजर्व में है हमारे पास थोड़े बहुत, और उन लोगों के द्वारा इस बार की ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पैकेट्स किया जा रहा है।